नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। मध्य प्रदेश का मिनी गोवा कहे जाने वाला हनुबंतिया टापू पर 29 नवंबर से जल महोत्सव शुरू होगा। शुभारंभ अवसर पर इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं आएंगे, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के हाथों जल महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। इस 7वें जल महोत्सव में 2 माह यानी 29 जनवरी तक वाटर बेस्ड एडवेंचर और साहसिक गतिविधियाँ की जाएंगी। पूर्व में यह कार्यक्रम 28 नवंबर को निर्धारित था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यटन एवं जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर पहुँचने वाली थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से आगे बढ़ाया गया। अब जल महोत्सव का शुभारंभ जिले की प्रभारी मंत्री करेंगी। जल महोत्सव का प्रमुख आकर्षण फ्लाइंग इन्फेंट टेबल बोट, फ्लोटिंग वेलनेस स्पा और टेंट सिटी होगी। साथ ही स्कूबा डाइविंग, बोरियामल द्वीप पर नाइट सफारी, लग्जरी रीगल सीरीज बोट, 40 फीट की हाई रोप स्विंग, जीप साइकिल, ड्वेरा मोटरिंग, पैरासेलिंग, स्पीड बोट, जेट स्काई, हॉट एयर बलूनिंग, मोटर बोट राइडिंग सहित विभिन्न एडवेंचर गतिविधियां पर्यटकों को रोमांच से भर देंगी। टूरिज्म बोर्ड द्वारा सनसेट डेजर्ट कैंप के साथ मिलकर हनुबंतिया टापू में टेंट सिटी का संचालन किया जा रहा है। टेंट सिटी में 104 लग्जरी स्विस टेंट्स के साथ साथ कॉर्पोरेट सम्मेलनों के लिए AC सम्मेलन हॉल की सुविधा भी मिलेगी। केरल के प्रसिद्ध कुरेली समूह के द्वारा वेलनेस स्पा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एंग्लर्स की 3 दिवसीय एंग्लिंग स्पोर्ट्स इवेंट, संगीत समारोह, पतंग उत्सव जैसे अनेक गतिविधियां पर्यटकों के मनोरंजन के लिए होंगी। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहे डीवी न्यूज में।